मेल स्केल यानी बॉयज के लिए जो कॉमन स्केल माना जाता है वो है पहला काला यानी कि सी शार्प। तो हम जनरली इसके आसपास ट्राई करके अपना स्केल डिसाइड करते हैं। पहले हम सबसे पहले सी शार्प से ही कोशिश करते हैं। सारे ये पूरा हमारा सप्तक है सी शार्प के अकॉर्डिंग। अगर हमें गाकर लगता है कि ये थोड़ा सा हम इससे और ऊंचा कर सकते हैं, तब हम डी शार्प या डी ट्राई करते हैं। इस तरह से तो हम अपना एक स्केल डिसाइड करते हैं जिसको हम एक अपना कॉमन स्केल मान लेंगे। गर्ल्स के लिए हम उससे थोड़ा सा नीचे ट्राई कर सकते हैं, जी शार्प, ए शार्प, बी, इस तरह से। तो इसी तरह गर्ल्स के लिए भी उसे ऊंचा या नीचा किया जा सकता है। ये बात हो गई कॉमन स्केल की। अब बात आती है कि हमारा स्केल तो हमने डिसाइड कर लिया और या जान लिया कि हमारा स्केल ये है, और इसको और पक्का करने के लिए आप ये जान लें कि आपकी इस सप्तक के ऊपर भी आधे सप्तक तक कम से कम आवाज़ जानी चाहिए और इस सप्तक से नीचे भी कम से कम आधे सप्तक तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए, यानी कि यानी कि आपके तीन चार नोट तार सप्तक के साथ से ऊपर लगे और तीन चार नोट नीचे लग जाएं और वो सुनाई देने चाहिए, मंद्र सप्तक में सुनाई देने चाहिए। ठीक है, ये हमारा स्केल हो गया। अब बात आती है क्यों हमें ये बदल बदल कर रियाज करना चाहिए। कई बार हम सरगम जब सी शार्प से करते हैं पहले काले से और बहुत दिन तक इसी पर करते करते, कई बार जब चेंज करने के लिए हम जब वही चीज़ डी शार्प से ट्राई करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होगा कि जैसे एकदम एक नई ऊर्जा उसमें आ गई, एक नई एनर्जी उसमें आपको महसूस होगी। यानी ऐसा लगता है जैसे कि पूरा अपने आप को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ये चेंज बहुत ज़रूरी है आपके फील को देखते हुए, आपकी गायकी को देखते हुए। अगर आप एक जगह करते रहेंगे तो उस जगह पर थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा कि फील और अच्छा हो सकता है, तब आप डिफरेंट स्केल ट्राई करें। उसमें डी शार्प अगर आपने ट्राई किया या डी ट्राई किया, इसमें आप जो भी गाएंगे तो एक अलग अनुभव आपको होगा, ये आप करके देखें। इसके कई मायने हैं। आवाज़ जो है गाने की हर जगह एक जैसी नहीं प्रोड्यूस होती है, गाना भी अलग अलग तरह का होता है। हर गाने में उसके माहौल के हिसाब से, उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से अपनी आवाज़ को अडेप्ट करना ज़रूरी है। अलग अलग स्केल पर रियाज करके हम गाने के अनुसार अपनी आवाज़ को एडजस्ट कर सकते हैं और उसका फील सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए भी ज़रूरी है अलग अलग स्केल पर रियाज करना। अगर वोकल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, आवाज़ को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए वोकल कॉर्ड्स को अलग अलग स्केल्स पर रियाज करने से हमारे वोकल कॉर्ड्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, इससे हमारे आवाज़ की जो स्ट्रेंथ और क्लैरिटी है उसमें एक बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, जिससे हम वर्सेटाइल सिंगर की जो बात करते हैं ना कि वर्सेटाइलिटी, अब कोई चीज़ में ये चीज मैं सी शार्प से कर रहा हूं, अब यही डी शार्प एकदम फील बदल जाएगा। और ये अपनी रेंज के अनुसार ही हम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई अपनी रेंज को छोड़कर कहीं भाग रहे हैं, क्योंकि जो रेंज है, माना कि यहाँ से और यहाँ तक मैंने बताई अपना बॉयज को देखते हुए रेंज बताई, तो गा तो इसी के अंदर रहे हैं हम, इससे बाहर तो गा भी नहीं सकते। तो हम अगर उठा लेते हैं एफ, ठीक है,
कुछ भी आप देखेंगे आपको एकदम अलग अनुभव होगा, क्योंकि आपकी जो जो चीज आप इस फ्रीक्वेंसी पर कर रहे थे वही चीज आप इस फ्रीक्वेंसी पर करेंगे तो उसका भाव और एक्सप्रेशन बदलेगा। अगर गानों की बात करें तो कोई गाना हो सकता है एफ में हो, तो आप ये ना सोचें कि मेरा स्केल तो सी शार्प है तो मैं एफ स्केल का गाना कैसे गाऊंगा। हो सकता है कि वो गाना इससे ऊपर जाता ही ना हो, इसके अंदर ही होगा, जनरली ज़्यादा चांसेज हैं कि इसके अंदर ही होगा। तो मोस्टली हर गाना आप अपनी रेंज में गा सकते हैं और इसको मॉड्यूलेट यानी इसको मैनिपुलेट करने के लिए आपको ये समझ होनी ज़रूरी है। ये बेसिक सी चीज़ है, अगर इसे आप कर लेते हैं कि सी शार्प से पहले गाने से सा पा मिलाना आपको आना चाहिए कि मैं किसी भी स्केल पे अपना सा बैठा के स्टार्ट कर सकता हूँ गाना, यानी कि ई से देखते हैं। मैं कुछ ऐसे ही गुनगुना रहा हूँ, कुछ फिक्स नहीं है इसमें, लेकिन आप ये देखें कि मैंने ई के साथ भी अपने को बिठा लिया, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ बिल्कुल बिल्कुल अलग, यहाँ ये सुर आपका ऊंचा जा रहा है काफी, लेकिन आप ये देखें कि किस तरह से आप इसमें सा अपना अब क्यों, अगर ऊंचा गाना है लग रहा है तो यहाँ आपकी आवाज खुल के आ रही है और ये जरूरी नहीं है कि इस गाने की कंपोजिशन ऐसी हो जो यहाँ तक जाए डेढ़ स्केल, तो इसके चांसेस होंगे कि इसकी जो कंपोजिशन है वो इधर ज्यादा ना जाके इधर की तरफ आएगी, क्योंकि हर गाना ह्यूमन वॉइस को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान की आवाज़ से बहुत डिफरेंट बने, ठीक है। सारे गा पदा नी सारी बगल सारे गा पदा नी सारी मगल जस्ट एक एग्जांपल है। गाना जो होगा ये जरूरी नहीं कि यहाँ तक जाए ही जाए, गाना ए से होता है, गाना ए शार्प से होता है, गाना जी से होता है, बड़े आराम से आप उसे गा लेते हैं। इसलिए गा लेते हैं कि वो आपकी रेंज के अंदर ही रहता है। हमारी रेंज शुरू होती है यहाँ से और जाती है यहाँ तक, उदाहरण के लिए, तो सारी कॉम्पोजिशन आपकी इसके अंदर आ जाएंगी जनरली, ठीक है। इसमें ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आपको अलग अलग स्केल से यानी कि सा प पहले काले का, सा प दूसरे काले का, इस तरह से चौथा सफेद अलग अलग स्केल पर रियाज करके हमें म्यूजिक थ्योरी, इसकी बेसिक जो म्यूजिक थ्योरी है और उसके साथ साथ कॉम्पोजिशन को भी समझने में मदद मिलती है। हम एक गाने के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसकी डेप्थ को समझ सकते हैं इस तरह के चेंजेस लाकर। यानी एक ही गाने को आप देखें, जो भी आप चीज़ें जब गाएंगे तो आपको ये खुद एहसास होगा
कि इसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है और ये कितना आपको बेनिफिट कर सकता है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको डिफरेंट स्केल में ज़रूर रियाज करके अपने वॉइस पोटेंशियल को, अपनी पूरी काबिलियत को ज़रूर परखना चाहिए और देखना चाहिए कि किस दायरे में आपकी आवाज़ ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसके लिए स्केल चेंज कर करके, मतलब ये नहीं कि रोज़ अलग स्केल में करें, ठीक है, सी शार्प में आप बहुत लंबे समय तक करते हैं, फिर थोड़े समय के लिए आप डी शार्प पर ट्राई करें। महिलाओं के लिए भी यही चीज़ लागू होती है कि अगर आप ए शार्प या ए से कर रहे हैं लंबे समय तक, तो आप फिर थोड़ा सा उसको एक नोट पूरा, यानी ए से कर रहे हैं तो बी से करके देखें, तो आपको ज़रूर उसमें एक अलग आकर्षण, यानी कि आपको खुद बड़ा फील अच्छा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, गाते हुए बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक गाने के भाव को देखते हुए, गाने के एक्सप्रेशन को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उसे अपने से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। जितना ज़्यादा अपने को कनेक्ट कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा उसमें इमोशंस आप डाल पाएंगे। रियाज से जुड़ा आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। इसी तरह के और भी मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।